दोस्तों, मैं इसके त्यागी आपका अपने YouTube चैनल बंसल स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है ना, जैसा कि आप देख चुके हैं, बायोलॉजी हमने शुरू करी थी और उसकी दो या तीन वीडियो आपके पास आ भी चुकी हैं, जिसमें हमारा पाचन तंत्र शुरू हो चुका था। अब पाचन तंत्र को आगे करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है बक्कल कैविटी। बताया था कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, पाचन जो आपका शुरू होता है वो बक्कल कैविटी से होता है। ठीक है, चलिए तो बक्कल कैविटी को देखते हैं, बढ़ते हैं। बक्कल कैविटी को हिंदी में बताया था मैंने, क्या कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ से क्या होता है, आपका पाचन शुरू होता है। जो मुख गुहिका होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका टंग जिसे आप जीभ कहते हैं, एक होता है आपका टीथ जिसे आप दांत कहते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं टंग। टंग भी होता है वो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के, जीभ तीन टाइप का नहीं होता, मतलब जीभ जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, टिप, साइड और बेस। टिप को कहा जाता है आपका अग्रभाग कहते हैं, ठीक है, मतलब आगे का भाग। ठीक, जो कैसा होता है आपका, मीठा होता है, जो आगे का भाग होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। साइड जिसे कहते हैं पार्श्व भाग, ठीक है ना, जो साइड होती है वो पार्श्व भाग, जो कैसी होती है, सॉल्टी एंड सॉर, मतलब नमकीन और खट्टा होता है। लास्ट जो होता है वो होता है आपका बेस, जिसे हम कहते हैं क्या, पश्चभाग। ठीक है, पश्चभाग मतलब कैसा होता है, बिटर, बिटर मतलब कड़वा, पश्चभाग कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, जैसे देखो ये टंग बनाई हुई है, अब इसमें जो पीछे का भाग है ये वाला, ठीक है, ये जो है भाग वो कैसा है, बेस है, मतलब पश्चभाग है। पश्चभाग कैसा होता है, बिटर मतलब कड़वा होता है, कैसा होता है, कड़वा होता है। इसी से तो हमें पता पड़ता है, जीभ से आपको टेस्ट पता पड़ता है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ये चीज आपको किससे पता पड़ता है, टंग से ना, जीभ से। अब जीभ में कैसे पता पड़ेगा, जब, क्योंकि उसका जो पहला भाग होता है वो आपको मीठे का स्वाद देता है, साइड जो होती है वो आपको खट्टी और नमकीन का स्वाद देती है, और जो बेस पश्चभाग होता है वो आपको कड़वा स्वाद देता है। ठीक है ना, तो पश्चभाग जो है वो आपको क्या बताता है, कड़वा बताता है। ठीक है, कि कड़वे का स्वाद कौन सा भाग देता है, जीभ का बेस मतलब पश्चभाग। ठीक है, तो आपका नमकीन और खट्टे का भाग कौन सा देता है, ये जो साइड होती है। ठीक है ना, ये साइड जो होती है क्या होता है, पार्श्वभाग होता है, जो किसका स्वाद देता है, नमकीन और खट्टे का स्वाद देता है। ठीक, यही इस साइड भी, दोनों साइड। ठीक है, अब ये जो आगे होता है टिप, जिसे हम कहते हैं क्या, अग्रभाग कहते हैं, क्या कहते हैं, अग्रभाग। ठीक है ना, जो अग्रभाग होता है ये आपको क्या देता है, मीठे का स्वाद देता है, किसका स्वाद देता है, मीठे का। जब आप मीठा खाते हो तो पता कैसे पड़ता है, ये आगे के भाग से पता पड़ता है, ठीक है ना, टिप से कि मीठा है, साइड आपको खट्टा बताता है, खट्टा है, और बिटर बेस जो होता है आपको, वो आपको कड़वा बताता है, कि जो लास्ट का जो है, जो भाग है आपका बेस, वो आपको क्या बताता है, कड़वा बताता है, बिटर बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी टीथ, मतलब दांत की बात करते हैं। ठीक है, जो दांत की बात करते हैं, तो दांत जो होते हैं, दांत आपके कितने प्रकार के होते हैं, दांत जो आपके होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हो, दांत नहीं सब चार प्रकार के होते हैं, ये तो मुझे भी पता है दांत चार प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए दांत सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है हेट्रोडोंट जिसे विषम दंती कहते हैं, एक होता है आपका डाइफोडोंट जिसे द्वार दंती कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को इंसीजर कैनाइन की बात कर रहे होंगे सब, वो तो चार प्रकार के होते हैं, नहीं, ये देखा जाए तो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेट्रोडोंट और एक होता है डाइफोडोंट, मतलब विषम दंती और द्वार दंती। ठीक है ना, विषम दंती दांत वो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब अलग अलग प्रकार के जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोडोंट, विषम दंती कहलाते हैं। ठीक है, और डाइफोडोंट मतलब द्वार दंती, जो दो बार उगने वाले दांत होते हैं, जो दो बार उगते हैं वो कौन से दांत होते हैं, द्वार दंती मतलब डाइफोडोंट्स। दो बार उगने वाले दांत कैसे, एक आपको पता हो, एक होते हैं आपके मिल्क टीथ होते हैं जो बचपन में होते हैं, और फिर आपके क्या होते हैं, परमानेंट टीथ जिसे आप स्थायी दांत कहते हो, और एक होते हैं आपके दूध के दांत, क्या होते हैं, दूध के दांत। ठीक है, दूध के दांत क्या है, दूध के दांत कितने होते हैं, संख्या दूध के दांत की, दूध के दांत होते हैं आपके वो कितने होते हैं, सब 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या होता है, गिर जाते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 32, जिनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है ना, टीथ जो होते थे वो आपके दो प्रकार के होते थे, हेट्रोडोंट विषम दंती, डाइफोडोंट द्वार दंती। ठीक है ना, विषम दंती मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, और डाइफोडोंट द्वार दंती दो बार उगने वाले दांत, जो कितने प्रकार के होते थे, दो प्रकार के होते थे, एक आपका होता था मिल्क टीथ और दूसरा होता था परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांतों की संख्या 20 होती थी, और परमानेंट स्थायी दांत उनकी संख्या कितनी है, 32 है। ठीक है ना, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब हेट्रोडोंट्स की, विषम दंती, जिन्हें आप जानते हो कि कितने प्रकार का होता है, ये आपका चार प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। ठीक है ना,
कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका इंसिजन जिसे कृदंत बोलते हैं, एक होता है कैनाइन रुधनक बोलते हैं, एक होता है आपका प्रीमोलर अग्रचवर्डक बोलते हैं, और एक होता है मोलर जिसे हम बोलते हैं चवर्डक। ठीक है ना। जो इंसिजन होता है, इंसिजन क्या काम करता है? इंसिजन क्या काम करता है? कटिंग मतलब काटने का काम करता है। जो आपके आगे के दांत होते हैं जिससे आप काटते हो, जब भी आप सेब वगैरह या कुछ खाते हो, जब कटिंग करते हो तो आगे के दांत होते हैं, तो वो इंसिजर होते हैं जो क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। काटने का काम करते कौन से करते हैं? इंसिजर। ठीक है ना। कैनाइन जो होते हैं, रुधनक होते हैं, वो टीयरिंग चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। जब भी आप कोई चीज फाड़ते हो या कुछ करते हो, जैसे आपकी बटन वगैरह होती है, आप तोड़ते हो तो आप कहां साइड के दांत से लेते हो, ठीक है ना, ना कि सामने वाले दांत होते हैं, साइड के दांत से उसे तोड़ते हो, तो वो क्या होते हैं? कैनाइन होते हैं, जो कि चीरने फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है ना। टीयरिंग कहते हैं। प्रीमोलर और मोलर, अग्रचवर्डक और चवर्डक, ठीक है, ये क्या होता है? चीविंग मतलब चबाने का काम आते हैं। चबाने का मतलब जब आप भोजन खाते हो तो भोजन चबाने का जो काम करते हैं वो कौन से होते हैं? प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ठीक है ना। मतलब अग्रचवर्डक और चवर्डक होते हैं जो क्या करते हैं, आपको भोजन चबाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है ना। आगे क्या था? डस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफाइड इंसिजर। इंसिजर कैनाइन बता दिया था मैंने, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर क्या होता था। ठीक है, जो हाथियों के जो गजदंत होते हैं ना, जो आपको दिखते हैं, कहते ना खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, जो हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड इंसिजर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि जो हाथी के जो गजदंत होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो मॉडिफाइड इंसिजर होते हैं। कैसे होते हैं? इंसिजर होते हैं। वो भी कैसे? मॉडिफाइड मतलब रूपांतरित कृदंत होते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना कि जो आपके हाथी के जो गजदंत होते हैं, ठीक है, जो दिखाने वाले जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? मॉडिफाइड इंसिजर होते हैं, मतलब रूपांतरित कृदंत होते हैं। ठीक है। डेंटल फॉर्मूला होता है, या आपसे पूछा तो नहीं होता कि आपको संख्या पता है, 20 होती है और 32 होती है, लेकिन ये होते कैसे हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये पूछ लेते हैं। इंसिजर कितने होते हैं और आपके कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। आपको ही पता है दांत जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक आपका अपर हाफ और एक लोअर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, तो बात करते हैं अपर हाफ में। ठीक है, आपके चार प्रकार के दांत ही पाए जाते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में। ठीक है ना। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है मिल्क टीथ में, ठीक है ना, मिल्क टीथ में क्या होता है, आपका कौन सा दांत, मतलब कौन सा प्रीमोलर या मोलर जो एब्सेंट होता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्या होता है, आपका प्रीमोलर होता है वो आपका मिल्क टीथ में एब्सेंट होता है, मतलब वो जीरो होते हैं, प्रीमोलर की संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। प्रीमोलर की संख्या किसमें नहीं होती है? मिल्क टीथ में प्रीमोलर की संख्या नहीं होती है। मोलर कितने होते हैं? दो होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? एक होता है। और इंसिजर कितना होता है? दो होता है। ये मैं एक हाफ की बात कर रहा हूँ, आपको एक हाफ में ही बताना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ, दोनों में संख्या कैसी है? समान है। तो आपको पता रखना है कि इंसिजर कितने होते हैं? दो होते हैं मिल्क टीथ में। कैनाइन कितने होते हैं? एक होता है। और मोलर कितना होता है? दो होता है। और प्रीमोलर कितने होते हैं? जीरो। ठीक है, लेकिन अगर 20 कैसे बनेगा? फिर 20 कैसे बनता है? दो और एक तीन, तीन दो पांच, पांच ही हो गए, पांच ही नीचे हो गए, कितने हो गए? 10। 10 का 2 से गुणा करोगे तो कितने हुए? 20। ठीक है ना। अब बात करते हैं परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ स्थाई दांत, इसमें भी क्या, ये भी आपके वही है, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ इनटू 2। आपको पता है कि जो मिल्क टीथ थे उसमें प्रीमोलर क्या था? एब्सेंट था, मतलब प्रीमोलर की संख्या कितनी थी? जीरो थी। और यहाँ पे प्रीमोलर कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। ठीक है ना। तो यहाँ अगर आपको इसको याद करना है मिल्क टीथ वाले को, तो याद कैसे करोगे? 21 02। ठीक है ना, 21 02 करके याद रखो। तो ये जो आपका होता है यही ऊपर और नीचे होता है। ठीक है ना, दोनों में क्या होता है? लोअर हाफ और अपर हाफ में क्या होता है? समान होता है। ठीक है ना। और यहाँ क्या है? 21 23। परमानेंट टीथ में कैसे याद रखना है? 21 23। ठीक है, 21 23 है। तो यहाँ पे जो इंसिजर है वो कितने हैं? दो हैं। कैनाइन कितने हैं? एक है। लेकिन ऊपर जो मिल्क टीथ था वहां पे प्रीमोलर क्या था? एब्सेंट था, मतलब प्रीमोलर नहीं होते थे। लेकिन परमानेंट टीथ में क्या होता है? प्रीमोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। और जो मोलर होते हैं
वो कितने होते हैं यहाँ परमानेंट टीथ में? तीन होते हैं, लेकिन मिल्क टीथ में कितने होते थे? दो होते थे। इन दोनों को याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रीमोलर किस में एब्सेंट रहता है, प्रीमोलर की संख्या किस में जीरो होती है, किस में होती है? मिल्क टीथ में होती है, ठीक है ना। मोलर की संख्या किस में तीन होती है? परमानेंट टीथ में मोलर की संख्या कितनी होती है? तीन होती है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीन दो पांच छह सात आठ, आठ ऊपर हुए आठ नीचे हुए, कितने हो गए? सोलह, ठीक है। सोलह में दो का मल्टीप्लाई करोगे कितने हो गए? बत्तीस। यही तो बताया था, ये होता है डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। ये मैथ नहीं है कि आपने जोड़ लिया तो कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है। पहले मैं बता चुका था कि मिट्टी तो संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और परमानेंट कितने होते हैं? 32 होते हैं। पता पड़ गया इंसीजर कौन से होते हैं, केनाइन कौन से होते हैं, प्रीमोलर कौन से होते हैं और मोलर कौन से होते हैं, और कितने इंसीजर होते हैं, कितने केनाइन होते हैं, कितने प्रीमोलर होते हैं, कितने मोलर होते हैं। ऐसे ही परमानेंट टीथ में बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रीमोलर होता है वो मिल्क टीथ में क्या होते हैं? जीरो होते हैं, और परमानेंट टीथ में कितने होते हैं? दो होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ठीक। एक नोट करके ये भी क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जो आपका लास्ट मोलर होता है वो क्या होता है? विजडम टीथ, मतलब जिसे आप अकल की दांत कहते हो ना, कहते हैं अकल की दांत नहीं आई, ठीक है ना। अकल की दांत आई तो अकल आ जाती है। तो जो अंतिम चवर्णक होता है ना, अंतिम जो मोलर होता है वो क्या होता है? आपका अकल की दांत कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब आपके अवशेषी अंग होते हैं जो शरीर में उपस्थित तो होते हैं लेकिन इनका कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। और इनकी जो संख्या होती है शरीर में, जो टोटल संख्या होती है वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, अवशेषी अंगों की, वो कितनी होती है? 100 है। अवशेषी अंगों की टोटल संख्या जो है हमारे शरीर में वो कितनी है? 100 है। कितनी? 100 है, जिसमें से एक क्या है आपका? जो विजडम टीथ, मतलब अकल की दांत भी है, वो हमारे शरीर में उपस्थित तो रहती है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं होता, वही क्या कहलाते हैं? हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दांतों का अध्ययन किया जाता है, दांतों का अध्ययन किस में किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है वो ओडोंटोलॉजी में कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि दांतों का अध्ययन किस में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। इसे याद रखना कि दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है जो दांत है सर आपका, दांत की जो परत होती है, ठीक है, दांत की जो परत होती है वो क्या होती है? सबसे कठोर होती है। दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनामेल की बनी होती है, ठीक है ना। किसकी बनी होती है? इनामेल की बनी होती है। और ये शरीर का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है ना। सबसे कठोर पदार्थ या सबसे कठोर भाग जो होता है शरीर का वो क्या होता है? इनामेल होता है। हड्डी नहीं होती, आप लोग हड्डी को बनाते हो। शरीर का सबसे कठोर जो पार्ट होता है वो दांत की क्या होता है? ऊपरी परत होती है, जो किसकी बनी होती है? इनामेल की बनी होती है, ठीक है ना। और यही क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर भाग है, ठीक। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे एक और परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। इनामेल के नीचे की जो परत पाई जाती है इसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ये शरीर का डेंटाइन जो है ये शरीर का दूसरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है ना। क्या है? दूसरा सबसे कठोर पदार्थ क्या है? डेंटाइन है, ठीक है ना। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा था? इनामेल था। और दूसरे नंबर पर अगर कठोर पदार्थ पूछा जाता है वो क्या आपका? डेंटाइन है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है, इसे याद रखना कि शरीर में कठोर पदार्थों का क्रम, शरीर में जो कठोर पदार्थ है उनका क्रम क्या क्या होता है? जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो क्या होता है? इनामेल होता है। बताया था मैंने, क्या होता है? इनामेल होता है। जो दांत की क्या होती है? सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। और दांत की ही इनामेल की जो नीचे की परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ये शरीर का सबसे दूसरा कठोर पदार्थ है, और सबसे पहला जो कठोर पदार्थ है वो क्या था? इनामेल था, जो सबसे कठोर पदार्थ है। जो तीसरे नंबर पे आता है वो आपका, उस पर आता है आपका बोन, मतलब हड्डी। और इसके बाद भी एक और होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज, कैसे? जिसे आप लोग कहते हो उपास्थि, ठीक है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होते हैं? ये चारों होते हैं, इनामेल, डेंटाइन, अस्थि और उपास्थि, ठीक है ना। ये चारों होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ इनामेल होता है, पता है। दूसरे नंबर पर डेंटाइन होता है। तीसरे नंबर पर जो आपका होता है, जब होती क्या होती है? हड्डी, मतलब बोन होती है, ठीक है। तो याद रखना, आप लोग बोन पे लगा के आते हो, बोन पे नहीं लगाना। सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो क्या होता है? इनामेल होता है, मतलब दांत की जो ऊपरी परत होती है, ठीक है।
अब बात करते हैं जो डाइजेशन होता था मतलब पाचन होता था बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहिका में जो पाचन होता था, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था कि आपका जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरुआत होती है, हमेशा आपका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो बक्कल कैविटी से होता है मतलब मुख गुहिका से होता है, ठीक है। किससे होता है? मुख गुहिका से होता है। मैंने क्या बताया, अगर आपके मुख गुहिका से शुरू होता है, मुख गुहिका में भी आपको दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं कभी कभी, माउथ दे दिया जाता है और आपको टीथ दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है माउथ दे दिया टीथ दे दिया या फिर बक्कल कैविटी दे दिया जाता है। तो आपको अगर माउथ और बक्कल कैविटी दोनों है ऑप्शन में तो आपको हमेशा क्या लगाना है, या तो दोनों वाला लगा के आना है, अगर दोनों नहीं है ऑप्शन में तो आपको क्या लगाना है, बक्कल कैविटी लगा के आना है, ठीक है ना। माउथ जो होता है पहले ही बता चुका हूँ, माउथ क्या करता है, माउथ एक ढक्कन की तरह है, ठीक है ना, ये इसको क्या करता है, कवर करता है। बक्कल कैविटी जो दांत वगैरह होते हैं ये इनको सिर्फ कवर करता है, ठीक है ना। तो ये ढक्कन की तरह काम करता है माउथ, माउथ खुलता है, यहाँ कुछ नहीं होता, मुंह खुला, बाकी भोजन जाकर के बक्कल कैविटी दांतों से जाकर के शुरू होता है, चबाते हो जो वहां से पाचन शुरू होता है, ना कि मुंह से, ठीक है ना। मुंह क्या गेट है जो खुलता है ना, उसी तरीके से, ठीक। डाइजेशन शुरू कहां से होता है, बक्कल कैविटी से होता है, ध्यान रखना। अगर बक्कल कैविटी ऑप्शन में नहीं है फिर अगर माउथ है तो आपको क्या लगा के आना है, माउथ लगा के आना है, अन्यथा आपको क्या लगाना है, बक्कल कैविटी लगाना है, ठीक है। अब जो सलाइवा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लार कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लार कहते हैं सलाइवा, ठीक है। लार जो होता है जब आप भोजन चबाते हो तो उसमें आपको पता है चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है, ठीक है ना, आपका जो भोजन आप चबाते हो जब भोजन कैसा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है और गढ़ीला सा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या मिलता है, सलाइवा लार मिलता है, और लार में एक एंजाइम होता है, क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन, टाइलिन नामक क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, मतलब लार में पाया जाता है, ठीक है ना। टाइलिन नामक जो एंजाइम है उसे कौन स्रावित करता है, उसे लार ग्रंथियां स्रावित करती हैं, कौन करती हैं, लार ग्रंथियां स्रावित करती हैं, ठीक है। तो टाइलिन नामक जो आपका एंजाइम होता है ये करता क्या है, ठीक है ना, टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है जो आपका स्टार्च को, जो मट होता है मतलब कार्बोहाइड्रेट, शर्करा बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट होता है उसको चेंज करता है किसमें, माल्टोज में, मतलब जो जो हार्ड भोजन को क्या बनाता है, सॉफ्ट भोजन में कन्वर्ट करता है, जो आप हार्ड भोजन खाते हैं उसको ब्रेक करता है किसमें, सॉल्ट सॉफ्ट भोजन में, ठीक है ना। तो वो काम किसका होता है, टाइलिन का होता है, और टाइलिन का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है। बक्कल कैविटी का डाइजेशन खत्म हुआ, अब आगे शुरू करेंगे डाइजेशन ऑफ स्टोमक, ठीक है दोस्तों।